मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेडशीट के बहुत ही दो कमाल के आइडियाज़। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बरसात अच्छी आ चुकी है दोस्तों और अब हम लोग कूलर काम में नहीं लेंगे। ज़्यादातर जगहों पे अच्छी बरसात हो चुकी है तो क्यों ना कूलर का कवर बना के रखा जाए ताकि हमें इसकी ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े। तो ये देखिए इस तरीके से कूलर के ऊपर वाले हिस्से पे इस तरीके से नाप कर लें तो ये 24 इंच आ रहा है। अगर आपका छोटा है तो उस हिसाब से आप जो भी आपका साइज़ है आप इजीली इस तरीके से नाप कर सकते हैं। बस दो ही नाप आपको लेने हैं, एक ऊपर से लेना है ऊपर वाले हिस्से से और एक इसकी लंबाई नाप लेनी है। तो लंबाई मेरे इसमें आ रही है 40 इंच। इस तरीके से देखिए आप कपड़ा भी नाप सकते हैं और आप हाथ से भी नाप कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए तो दो तीन तरीके से आप इसमें नाप कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए बेडशीट ले लेनी है तो ये मैंने बेडशीट ले ली है और इसमें ये देखिए 24 इंच पे मैंने निशान लगा लूँगी और प्लस इसमें सिलाई का लेना है हमें आधा इंच। तो इस तरीके से नपती कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला हिस्सा इसका निकाल लेंगे, ज़्यादा हमें इसमें नाप नहीं करना पड़ता है। बस इसमें ऊपर वाला हिस्सा निकाल के इजीली हम इसमें सिलाई कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए अगर आप हाथ से भी नाप करते हैं तब भी ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। जो मैंने इंच टेप से नाप लगाया है वही हाथ से भी नाप आया है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके और नपती करके और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसी तरह के अच्छे अच्छे रीयूज़ आइडियाज़ और सभी तरह की जेंट्स और लेडीज़ सिलाई के ट्रिक्स और डिज़ाइंस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा कटिंग करके और फिर इसमें नाप करके देख लें। इस तरीके से देखिए एक्स्ट्रा जो भी होगा उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई मेरी इसमें 40 इंच है तो इस तरीके से मैंने 40 इंच ले ली है और एक इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसमें फोल्ड करने के लिए। इसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा लंबाई में कपड़ा नहीं था दोस्तों, सिर्फ एक इंच ही एक्स्ट्रा था तो एक इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें, आधा इंच सिलाई का और एक इंच फोल्ड करने का। इस तरीके से देखिए इसको जो ये जॉइंट आ रहा है इसमें सबसे पहले सिलाई कर लेंगे जॉइंट में। दोनों ही जॉइंट इस तरीके से ही सिलाई कर लेंगे और फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको इस तरीके से देखिए पिनअप करके देख लें। अगर बड़ा छोटा है तो आप उसमें और जॉइन कर सकते हैं, अगर बड़ा है तो आप उसमें कटिंग कर सकते हैं। पूरे में ही इसी तरीके से पिनअप कर लेना है, इससे सिलने में भी आसानी रहेगी और बड़ा छोटा होगा तब भी पता चल जाएगा इसमें। ये देखिए इस तरीके से पूरा ही पिनअप करके और जल्दी से ही सिलाई हो जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, आप इजीली इसको सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं कूलर के कवर को। पुरानी कोई भी बेडशीट आप ले लें या फिर आप पुरानी साड़ी से भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा इसमें फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही इजी है ये बनाना, जिनको सिलाई का नॉलेज नहीं है वो भी इजीली इसको बना सकते हैं।
इस तरीके से देखिए, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से ही नाप करके और पूरा ये कवर बन जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ये पुरानी बेडशीट का कवर बन चुका है। ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए एक ही बेडशीट से अच्छा सा ये कवर बन चुका है। अगर आपके पास और बड़ा कूलर है तो आप दो बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर छोटा है तो आपका एक ही बेडशीट में कवर बन जाएगा। इस तरीके से देखिए, जिससे कि कूलर गंदा नहीं होगा। ये देखिए, अब मैं आपको ये बिना सिलाई के कवर बनाना बता रही हूँ इस बेडशीट से। तो यहाँ पे मैंने बड़ी बेडशीट ली है और इस तरीके से एक हिस्सा इसका एक तरफ से ज़्यादा रखा है और एक तरफ से मैंने इसमें कम रखा है। तो इस तरफ से मैंने इसमें ज़्यादा हिस्सा लिया है बेडशीट का। ये देखिए इस तरीके से ले लेना है बेडशीट को, इस तरीके से कवर करना है। और इसका इस तरीके से ये देखिए कोना इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसको दबाते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से आप इसको पिनअप कर सकते हैं। इसमें आपको सिलाई की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करके और पिनअप कर दें। पहले एक हिस्सा इसका पिनअप करेंगे, उसके बाद वो वाला हिस्सा भी इसी तरीके से हमें फोल्ड करते हुए पिनअप कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करना है बेडशीट को। बहुत ही इजी है ये, दो मिनट में ही आपका ये कूलर का कवर बन जाएगा और आपको इसमें सिलाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नाप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आइडिया आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पुराने कपड़ों के इसी तरह के अच्छे अच्छे रीयूज़ आइडियाज़ और सभी तरह के जेंट्स और लेडीज़ सिलाई के ट्रिक्स और डिज़ाइंस के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।